जय शनिदेव। शुभ नाम बताओ। कविता। कविता मेरे पास कौन सी बार आई है? सातवीं बार। पहले आए थे, ठीक हो गए थे, आराम पड़ गए थे, फिर आपने आना बंद कर दिया, क्यों? किसी और भगत के पास चले जाओ, मतलब हमारी भक्ति कम पड़ गई, आप किसी और के पास चले गए, तो वहाँ क्या हुआ फिर? आपको मन नहीं माना तो फिर दोबारा इधर। मन नहीं माना फिर दोबारा यहाँ आ गए, लेकिन बीच में कितने भक्तों के पास गए? पहले तो काफी बार बहुत जगह गई थी। पहले यहाँ आने से पहले तो बहुत जगह गई, एक सेकंड, पहले यहाँ आने से पहले बहुत जगह गई, फिर बीच में डॉक्टरों को नहीं दिखाया क्या? नहीं, डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने बोला था एक्स्ट्रा कराओ, तो उसमें ना कूल्हे की हड्डी गली भी आई। कूल्हे की हड्डी? आपने कारण जानना चाहा कूल्हे की हड्डी क्यों गली हुई आई? डॉक्टर ने पूछा था हमने, तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्या करते हो आप, क्योंकि ये कभी नहीं गलते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो कभी गलता है तो कभी 50-60 के ऊपर कभी होती है जब परेशानी होती है। हाँ, आप तो भी बहुत छोटी उम्र है, तो मैं तो मतलब सर्जन डॉक्टर को उन्होंने ये बोला देख कर, सर्जन ने, हाँ जी मैं पहली बार ये केस सुन रहा हूँ, मेरी खुद इतनी एज है, कभी नहीं होता ऐसा। और उसको बोलो कौन चिल्ला रहा है, शांत करो इसको, नया भीतर भेज दे, अंदर भेज दे। हाँ, तो ऐसा होता नहीं है। तब आप होश में आए, फिर आपको पता चला कहीं मनु भैया भी रहते हैं, आप मेरे पास आए, आप चाहते नहीं थे ऑपरेशन कराना, तब आपको आया, पता चला यार ये तो मनु भैया के पास ही क्यों ना चला जाए, है ना? तो मनु भैया के पास नई विधि भी है, नई टेक्निक भी है। मनु भैया की पहले तो भक्ति कम पड़ गई थी, हो सकता है अब ज़्यादा बढ़ गई हो, शनिदेव महाराज ने कुछ ज़्यादा दे दिया हो। हम तो कभी कहते नहीं हमारी नई शक्ति खुल गई, हम तो करौली वाले की तरह कहते ही नहीं आज नई शक्ति खुल गई, आज ये खुल गया, आज ब्रह्मांड का रहस्य खुल गया, आज ये खुल गया, है ना? फिर ऐसा हुआ, फिर किसने माना? पति ने माना या तुमने माना कि मुझे मनु भैया के पास जाना चाहिए? सही बता। मनु भैया के पास जाना चाहिए, फिर भी उसने बोला, फिर भी उसने बोला, तूने तो फिर भी नहीं बोला। तुझे तो औरत है ना, जो जहाँ कह देगा वहीं चल देगी, उसका तो मन ऐसा है। तो भगत ने बता तो दिया भैया, 40,000 को लूंगा। क्या लूंगा? 40,000। सवा रुपये लाइए, 15,000 रुपये दे दीजिए। सवा रुपये लाइए, 15,000 रुपये दे दीजिए। बोले लिखा था पर मेरे सवा नहीं लाए, उसको 15,000 रुपये दे दिए और 40 भी दे दिए। अब आया समझ में? मनु भैया के हाथ का थप्पड़ खा के। अच्छा, अब मेरे को ये बता, तुझे बैठते उठते हुए होता क्या? अभी बैठो, उठ बैठ। दो तीन, हाँ परेशानी, पांच, हाँ ताली बजाने के लिए कोई बापा आता है? ऐसा क्या हुआ? मैंने फूक मारी, परेशानी खत्म होगी, तेरी हड्डी गल रही है, डॉक्टर ने ऐसा केस नहीं देखा और मनु भैया ने वो सॉल्व कर दिया। बोलो शनिदेव महाराज, आना है, रुकना नहीं है, ना नाक काट दूंगा तेरी आधी। आजा लाडो मेरी बहन, अब रोने की जरूरत नहीं है तुझे, मेरे रहते रोने की जरूरत, बस 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 बस, और नहीं और नहीं और नहीं और नहीं, ओ गला भराया गला भराया। ये देख के बच्चे को बहुत चिपाते हैं, बच्चे को बहुत चिपाते हैं, देख रहा हूं। हां क्यों नहीं? मेरे भाई आया था ना, चाचा का लड़का, वो कह रहा स्वभाव बहुत अच्छा है भैया का। हां हां, दर्द कहां है? मैंने फूंक मारी थी, कहां लगी जब बताना, डॉक्टरों को बताओ, डॉक्टरों को, पैरों में लगी, वहीं लगी जहां दर्द हो रहा था, ओ फूंक लगी थी। आज एक साल पे हो जाए ऐसे। वो डायलॉग याद आ गया मुझे भैया, बैठ घुटने के बाद काम तमाम कर देते हो। हाँ वो डायलॉग मार ऐसे, ये अब वो डायलॉग मार, मनु भैया फूंक मारते ही प्रेत का काम तमाम कर देते हो। जय शनिदेव। दर्द का है? उठो बैठो, चलो मारो, दो तीन। महसूस हुआ थोड़ा सा? हल्का सा। हाँ वो मैं निकाल दूंगा, कोई घबरा मत, तुम्हारे जल, बस बस बस, अब अपने पति से ज्यादा पहलवान हो गए, ये ट्विस्ट है, तूने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए पहलवानी के। बोल जय शनिदेव। जय तो कहीं नहीं जाएगी। बोलो शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज ले आए ना तुझे खींच के। कहाँ भूख लगी? महसूस कर, महसूस कर, वहीं लगेगी जहां दर्द होगा। जय शनिदेव। बोलती रे मनी में, आंखें बंद कर, करो अपने आप को महसूस।
क्यों जी बताओ सतीश जी हैं हैं नहीं हो रही तो दर्द भी नहीं है कहीं, फिर से बैठ के उठ के देख ले। अब उस डॉक्टर को बता देना कि मेरी हड्डी नहीं गली है। क्या बताएगी? डॉक्टर साहब मेरी हड्डी नहीं गली है, आप जो देख रहे हो ना कालापन, वो प्रेत की जगह है, प्रेत का अंश है वो। आगे ना क्या बोलेगी, प्रेत है वो। डॉक्टर जी प्रेत लग गया। क्या लग गया डॉक्टर जी? मुझे प्रेत लग गया। प्रेत बच गया ना बेटे, प्रेत तो कहीं से भी आ सकता है ना। मैंने माना आपका निकाल दिया, आपको आराम पड़ गया, आपको तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए था। मैं कह रहा हूँ विश्वास करके आओ भाई, नहीं आओगे तो कैसे उद्धार होगा? आते रहना है, आए ना समाज में, अगर अपने कुल का उद्धार करना है तो। तेरे आदमी के तो लग गए होते अभी 4-5 लाख रुपया, हो गया था तेरा तो काम। आगे ना बिना बात के कट जाती, एक बार डॉक्टर काटने के बाद फिर नहीं कहता है पैसे मत दे। कितने पैसे मांगे ऑपरेशन के बताना? 7.5 लाख रुपए एक टांग के मांगे थे, 15 लाख रुपए दोनों टांगों के मांगे। 7.5 एक टांग के, 15 लाख दोनों टांग के। ऊपर से कूद ले तू ऐसे कैसे कूले के बल, तुझे कुछ हो जाए तो मेरे को बता दिए, कूले टूटने के अलावा। हंस रही है और भक्तों के पास अलग गई है। एक बात कोई तांत्रिक अपना ही प्रेत छोड़ देता तो तुझे पता फिर, नहीं है फिर क्या होता? मानो भैया तो निकालते हैं फिर एक और फालतू लेके आती है। अच्छा सॉरी मांग शनिदेव महाराज से, यहाँ इधर है। और कान पकड़ के किसने कहा था? कान पकड़ के ही सॉरी मांग ली इनके तरफ। देखो मुझे इसकी कितनी चिंता है, इसे मेरी चिंता नहीं थी, ये तो अपने घर चली गई थी, इसे मेरी चिंता नहीं थी, मुझे इसकी इतनी चिंता है। मैंने आते ही देखते ही कहा, अरे तेरे चेहरे पे इतनी सारी फुंसियां कैसे हो गई? तेरा तो चेहरा बिल्कुल साफ था। मैं कितनी चिंता करता हूँ अपनी बहनों की है, और इसको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। ये आई जाती तो कम से कम मेरा गला तो हरा हो जाता है, नहीं समझे? देखो ये सारी माताएं बहनें मेरे दिल में रहती है, कहाँ रहती हैं? और तुम्हारे विरह की अग्नि मेरे दिल में जलती है। अब मेरा दिल तो जलता रहता है पर तुम्हें पता नहीं है आग क्यों नहीं खाती। तुझे लगी थी आग मुझसे मिलने की कि मैं भैया के पास जाना है? अरे जा, तेरा आदमी नहीं होता तू आती कभी भी। इसके 15 और लगवा देती बेचारे के, ठुट करवा देती, यूं बैठ जाती ठुट करवा के। हैं हैं अच्छा और एक बात, जब ये कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे पास पूरे 15 तो नहीं है तो 14 में भी कर देता है इसका, है ना भाई? दोनों कुलों में 1 लाख तो बचत कर देता वो इसकी, है ना? इतना तो होशियार होता है डॉक्टर। चलो भाई दोनों कुलों में 1 लाख की बचत कर, तेरा छोटा मोटा केस नहीं है। और तेरे जैसे कितने लोग फंस चुके हैं प्रेत के कारण ये पता नहीं है, अरबों लोगों का अरबों खरबों रुपया डॉक्टरों के चला गया जिसका पता ही नहीं है, उनको बीमारी नहीं थी। अब तुझे बीमारी नहीं थी, फिर बैठ फिर उठ। बोलो शनिदेव महाराज की आदर है। कमाल है, इसको दुनिया नहीं देखती भाई, इससे बड़ा केस क्या देखोगे आप बताओ? मनु भैया ने दोनों कूले 1 मिनट में रिमूव कर दिया, 15 लाख का काम और 1.25 रुपए भी नहीं लेके आए, देख लो बिना 1.25 रुपए के कर दिए। शनिदेव महाराज सदा तेरे शीश पर अपना वर्द में हस्त रखे, तेरा परिवार हंसता खेलता रहे, तेरे पति की तरक्की हो वृद्धि हो और तेरा पति यूं ही सदा स्मार्ट बना रहे।